15 फरवरी को रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की कैंटीन में हुई बमबाजी की घटना के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज छात्र संगठन ने विश्वविद्यालय परिसर में पुतला दहन और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में नारेबाजी करके विरोध प्रदर्शन करते हुए विश्वविद्यालय छात्र संघ ने पुतला दहन किया। संगठन के सदस्यों का कहना है कि 15 फरवरी को कैंटीन में हुई बमबाजी की घटना के बाद से ही छात्रों में दहशत व्याप्त है और अभी तक आरोपी भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। दिनांक 15 फरवरी को कैंटीन के अंदर कोई घुस के बम फोड़ गया। आज तकरीबन एक हफ्ता पूरा हो गया है, 22 तारीख है आज। ना तो पुलिस प्रशासन के पास कोई सबूत है कि वो पकड़े गए कि नहीं, ना विश्वविद्यालय को कोई सबूत है पकड़े गए कि नहीं। हम लोग इस बात को कहां कहां नहीं उठा चुके हैं। वो अभी आप अगर जाके देखेंगे वहां पे गेट बंद है। जिस दिन ये बमबाजी की घटना हुई पूरे गेट में पुलिस बैठी थी, माननीय मुख्यमंत्री के OSG यहां मौजूद थे। वो लोग यहां पर बमबाजी करके सुरक्षित वापस निकल गए और एक हफ्ते तक अभी ना पुलिस प्रशासन उनको पकड़ पाया है, ना विश्वविद्यालय उनके ऊपर कोई कार्रवाई कर रहा है। इससे क्या साबित होता है? ये साबित होता है कि ना तो विश्वविद्यालय चाहता है कि ये लोग पकड़े जाएं, ना पुलिस प्रशासन चाहता है ये पर लोग पकड़े जाएं। छात्र संघ ने विश्वविद्यालय की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जाने की मांग की है।